नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल, जो इस वक्त महाघूस कांड में शामिल और आरोपी, क्या वो दिव्या मित्तल सम्मानित होंगी? गिरफ्तार हुई एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल क्या सम्मानित की जाएंगी, जबकि गृह विभाग ने आज ही निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि कल 18 जनवरी को सम्मानित होने के ऑर्डर निकाले गए और इसमें 20वां नंबर आप देखिए क्या है। इसके 20वें नंबर पर जो लिखा हुआ है वो आपके दिमाग को एक अलग दिशा में ले जाएगा, क्योंकि उसके 20वें नंबर पर लिखा है श्रीमती दिव्या मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी चौकी अजमेर, और क्या होगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। 27 जनवरी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने के आदेश एटीएस एसओजी से, वो सम्मानित होंगी। कमाल की बात है, एसीबी मुख्यालय में जिस तरीके से वो बैठी, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, 2 करोड़ की घूस में जो शामिल, अब उनको सम्मानित करने का लेटर निकाला गया। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, इससे ज्यादा मजाक जनता के सामने और कुछ नहीं हो सकता कि जिसको वहां घूस कांड में पकड़ा गया हो उसको सम्मानित करने का आदेश निकाला जाए, और वो भी जब आज की तारीख में गृह विभाग निलंबित कर रहा है। जी देखिए, बिल्कुल वाकई ये चौंकाने वाला मामला सामने है। ये पत्र है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर 20 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो श्रीमती दिव्या मित्तल जो एडिशनल एसपी है एसओजी चौकी अजमेर की, उनको 27 तारीख को सम्मानित किया जाएगा, उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो जैसे ये पत्र वायरल हुआ, तो आपको बताऊं जो दिव्या मित्तल है वो एसीबी की गिरफ्त के अंदर है, वो रिमांड पर है, और आज भी उनसे तकरीबन 8 से 10 घंटे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, और अभी भी उनसे पूछताछ जा रही है जो तकरीबन 8 से 9 बजे तक चलेगी। उनको आज गृह विभाग ने निलंबित भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये कल ये आदेश निकलता है तो वाकई में एक चौंकाने वाला आदेश है, क्योंकि जिस तरह से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई थी दिव्या मित्तल द्वारा, और ये ऐसा नहीं है कि ये जानकारी अधिकारियों को नहीं होंगी, ये जानकारी अधिकारियों को होने के बावजूद भी इस तरह की अगर आदेश निकलते हैं तो वाकई में ये आदेश चौंकाने वाले हैं। विजेंद्र, नवीन चौंकाने वाले तो हैं, क्योंकि आप कह रहे हो रिमांड में है और ये लेटर बता रहा है कि डिमांड में है, 20वां नंबर बता रहा है, और इसमें लिखा क्या है मैं अपने दर्शकों को पढ़कर सुना रहा हूं। निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त स्मृति चिन्ह डीजी डिस्क गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक एटीएस एवं एसओजी में पद स्थापित निम्नलिखित अधिकारियों कर्मचारियों को दिनांक 27 जनवरी 2023 को एटीएस एवं एसओजी कार्यालय जयपुर में वितरित किए जाएंगे। 27 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अगले दिन, यानी कि एक दिन पहले हम संविधान की बात करेंगे, और अगले ही दिन जिन्होंने संविधान को धत्ता बताते हुए महाघूस कांड में जो शामिल हुए, जिन पर कार्रवाई हो रही है, जो रिमांड पर है, उनको हम सम्मानित करेंगे। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कंप्यूटर काम कर रहे हैं, इन बड़े बड़े विभाग में इतने बड़े बड़े सम्मानों के लिए जो लिस्ट बन रही है उन पर अगर इस तरीके की गलतियां हैं तो मानकर चलिए कि मानवीय दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसको सिर्फ गलती नहीं कहेंगे विजेंद्र, ये तो एक कहावत है हमारे गांवों में कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, तो इससे बड़ी गलती और क्या होगी कि जो दिव्या मित्तल इस समय एसीबी के रिमांड पर है, एसीबी उससे पूछ रही है कि भाई 2 करोड़ रुपए किसके लिए ले रहे थे आप, कौन अधिकारी थे जो आप कह रहे हो लगातार कि ऊपर भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर से जो होता है, तमाम तरह की पूछताछ कर रही है। इतने संगीन आरोप लगे हैं कि उन संगीन आरोपों से जो राजस्थान की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है एसओजी, वो सवालों के घेरे में आ गई है। उसी एसओजी में आप देखिए कि 18 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है जिसमें बकायदा उसका नाम है जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 20वें नंबर पर, श्रीमती दिव्या मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी चौकी अजमेर। तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इतना भी अधिकारियों को ध्यान नहीं है जो इस सूची को बनवा रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस अधिकारी का वो नाम लिख रहे हैं सूची में वो एसीबी की गिरफ्त में। और हैरानी की बात देखिए विजेंद्र, के इसी सूची में जो एसओजी के कर्ता धरता है एडीजी अशोक राठौड़, उनका भी नाम है, उनका नाम नंबर 1 पे है। तो पूरी जो सूची है ये कह सकते हैं कि विवादों में आ गई है। जिस दिव्या मित्तल को राज्य सरकार ने आज निलंबित कर दिया,
जिस दिव्या मित्तल ने पूरे पुलिस महकमे की किरकिरी कराई, सबसे बड़ी जांच एजेंसी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, उस दिव्या मित्तल का नाम अगर 18 तारीख को सेलेक्ट हो जाए और ये कहा जाए उसको कि आप 27 तारीख को आइए, यूनिफॉर्म में आइए, आपको स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, तो इससे बड़ी गलती पुलिस महकमे की ओर से, एटीएस एसओजी की ओर से कोई नहीं हो सकती। ये लगता है कि मानने को तैयार नहीं है एटीएस एसओजी के अधिकारी के उन्हीं की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल 2 करोड़ की घूस मांगने के संगीन आरोपों में पुलिस एसीबी के रिमांड पर है, एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। तो बहुत बड़े इस लिस्ट ने तो उस तरफ भी इशारा कर दिया जिसकी तरफ इशारा दिव्या मित्तल कर रही थी कि जो घूस ले जाती है वो ऊपर तक जाती है, लिस्ट ऊपर से ही बन के नीचे आती है। अब बिल्कुल विजेंद्र, लिस्ट इसमें तो कोई दुराई नहीं कि इस लिस्ट को बनाने से पहले जो बड़े अधिकारी उनसे अप्रूवल लिया होगा, उनसे पूछा गया होगा, उनको दिखाया भी गया होगा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप कैसे कहेंगे कि गलती है जब आपको पता है कितनी बड़ी अधिकारी पुलिस एसीबी की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ हो रही है, पूरा एसओजी का जो सिस्टम है वो कटघरे में आ गया है, क्योंकि एसओजी को ये माना जाता है कि जो खास तरह के क्राइम है, जो बड़ी तरह के क्राइम है, उनकी जिम्मेदारी एसओजी के पास होती है, लेकिन उन्हीं की एडिशनल एसपी एक एनडीपीएस के केस में जो नशे की दवाओं से जुड़ा हुआ था विजेंद्र, उसमें 2 करोड़ की घूस मांगती है और बकायदा ये कहती है, उनकी तो फोन रिकॉर्डिंग है एसीबी के पास जिसमें वो क्लियर कह रही है कि ऊपर से जो होता है वही होता है, ऊपर से फाइल आती है, ऊपर से तय होता है। तो क्या ये लिस्ट भी ऊपर से तय हुई है, क्या ये पता होने के बाद भी कि दिव्या मित्तल एसीबी के रिमांड पर है, एसीबी की गिरफ्त में है, क्यों दिव्या मित्तल का नाम आया पहला? ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण ये बताइए, लिस्ट कब बनती है और किसकी तरफ से वेरीफाई होती है, फाइनल आउटपुट किसका होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी देखिए, वैसे तो ये लिस्ट राजस्थान पुलिस मुख्यालय से निकली हुई है, पुलिस मुख्यालय ने नाम भेजे हैं एडीजी अशोक राठौर, उसके बाद में लिस्ट निकली है कल 18 तारीख को लिस्ट निकली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जारी आज हुई है, इसमें नीचे साइन हुए जो साइन हो रखे हैं उसके अंदर साफ दे रखा है कि 19 तारीख को ये जारी हुई है, जिसमें 20 नंबर पर नाम निलंबित पुलिस अधिकारी दिव्या मित्तल का है। लेकिन जब हमने उनकी बात अटोरनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ कहा है कि हमने जो नाम लिखे हैं वो नाम हमारे पास पुलिस मुख्यालय से नाम आए थे, और इस पूरी लिस्ट के नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि जिस कर्मचारी जिस अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच जारी हो उनका नाम इसमें नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती होना कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के उन अधिकारी की गलती दर्शाती है जो शायद इस बात को भूल गए कि सबसे बड़ी डिमांड करने वाले दिव्या मित्तल को राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया, उसका नाम इस लिस्ट में आना एक सवालों के कटघरे में खड़े करने वाली है। फिलहाल इसके बाद एक ऑर्डर और जारी हो गया है हमारी खबर के बाद की उस लिस्ट नई लिस्ट में दिव्या मित्तल का नाम नहीं है, लेकिन ये जो लिस्ट है जो हम हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसे देखने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल निशान जरूर उठ रहा है विजेंद्र। लेकिन सत्यनारायण मैं इस लिस्ट को देख रहा हूं, मेरे लिए चौंकाने वाली बात इसमें यह तो है कि 18 जनवरी को लेटर बना है, मेरे लिए इसके साथ चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे जो सिग्नेचर हैं वो 19/1/2023 के हैं, मतलब कि आज के सिग्नेचर हैं, अब इस लिस्ट को पढ़कर ही सिग्नेचर किए गए होंगे। बिल्कुल, देखिए ये लेटर कल निकला था लेकिन जारी आज हुआ है, और जो सिग्नेचर है वो एसीपी अशोक राठौर सर के हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, और वो इतने गंभीर अधिकारी हैं कि बिना किसी पूरी कागज को पढ़े हुए वो सिग्नेचर नहीं करते। लेकिन ये गलती किस प्रकार हुई, क्यों हुई, ये एक चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस व्यक्ति ने पुलिस की चिट्ठी कराई है, राजस्थान पुलिस में पुलिस बेटे के अंदर से नाम खराब करवाया है, 2 करोड़ की रिश्वत मांगी है, जिसको गिरफ्तार किया, रिमांड पर लिया, उसको पूछताछ की जा रही है, और आज राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। आपको लग रहा है कि कोई भी तर्क क्या इसको जस्टिफाई कर पाएगा? कोई भी तर्क जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो गलती हुई है। ठीक है सत्यनारायण जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर जी जुड़ गए हैं। अशोक राठौर जी, सर क्या इसको सच में एक मानवीय भूल कह दिया जाए बस? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई है और फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली इस पूरी लिस्ट को एक्सपोज कर रहा है, क्या वाकई में किसी के पास ये जवाब होगा कि आज की तारीख में जिस दिव्या मित्तल के खिलाफ निलंबन के आदेश निकल रहे हों, जिस आज की तारीख में जिस दिव्या मित्तल को रिमांड पर लिया गया हो, जिस तारीख में एक दिव्या मित्तल जिसके वजह से पूरी एसओजी पर सवाल खड़े हो रहे हों,
अशोक राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, क्या कुछ है? सर ये जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो सम्मान दिए जाएंगे 27 तारीख को, उसमें 20वें नंबर पर नाम है दिव्या मित्तल का, क्या ये सही है सर? आपने शायद ऑर्डर ढंग से पढ़ा नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है जिनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होती है वो उनके नाम पृथक कर दिए जाते हैं, जिसमें इनका नाम पृथक किया जा चुका है, तो कृपया ऑर्डर को ढंग से पढ़ लो जी, बात कर लीजिएगा। तो सर इस नाम को हटाया नहीं जा सकता था? चलिए मानकर चलिए उनके हिसाब से अगर अगली लिस्ट आती है और उसमें दो चार और ऐसे हों जिनके खिलाफ घूसखोरी के केस हों, तो उनको आप ये मान लीजिएगा कि वो लिस्ट में आ सकते हैं, और नीचे एक लाइन लिखी होगी कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको ये सब सम्मान नहीं दिया जाएगा। सवाल यह है कि जब उनको सम्मान दिया ही नहीं जाना तो सम्मान की लिस्ट के अंदर उनके नाम क्यों डाले जा रहे हैं? क्या उन नामों को हटाया नहीं जा सकता? अब जरा अंदाजा लगाइए जिस लिस्ट में सम्मान के लिए पहला नाम खुद अशोक राठौर जी का है, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एसओजी, उसी लिस्ट में 20वां नाम उस दिव्या मित्तल का है जिस पर महाघूसकांड का आरोप है, जो रिमांड पर है, जिनको एसओजी के अंदर रहते हुए ट्रैप किया गया और जिन्होंने खुद एसओजी पर आरोप लगाए कि जो घूस का पैसा ये ऊपर तक जाता है, जिस दिव्या मित्तल की वजह से एसओजी खुद सवालों के घेरे में है, वहां एसओजी की जो लिस्ट है जिसमें सम्मान जिनको दिया जाएगा और जिसमें खुद पहले पायदान पर अशोक राठौर जी का नाम है, उसी लिस्ट में 20वें पायदान पर जिनका नाम वो दिव्या मित्तल है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें यह भी लिख दिया गया कि जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है, जिन पर कोई अन्य कार्रवाई हो रही है, उनको ये सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसमें बाय डिफॉल्ट इस लिस्ट में उनके नाम को नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। तो सवाल यह है कि जब आज की तारीख में इस पर सिग्नेचर किया जा रहा है, कल की तारीख में जब इस लिस्ट को जारी किया जा रहा है, तो ये नाम हटाए क्यों नहीं गए? मुमकिन है, हो सकता है जो कहा जा रहा है उसको उस संदर्भ में सही माना जा सकता है कि अगर मानिए आज की तारीख में लिस्ट जारी हुई होती और कल की तारीख में, आने वाले कल की तारीख में अगर दिव्या मित्तल घूस के मामले में गिरफ्तार हुई होती, उस केस में मान लिया जाता कि यकीनन इस लिस्ट में जो नाम है उसमें उन्हें नल एंड वॉइड माना जाए। लेकिन जरा सोचिए, जिनके खिलाफ पहले से कार्रवाई चल रही है, जो रिमांड पर चल रही है, जिनकी वजह से पूरी एसओजी कटघरे में है, उनके गिरफ्तार होने के 3 दिन बाद ये लिस्ट जारी होती है और इस लिस्ट में नाम होता है।